हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वर्क एंड टाइम लेके आया हूं। बहुत महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक जो मेरा 4-5 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा और 3 से 4 बार मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया, उन सभी का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा नए क्वेश्चन जो मिले हैं ये वर्क एंड टाइम चैप्टर के ही मिले हैं। तो इस चैप्टर को समझना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे आप एक मेथड सीख लिया, आपने एलसीएम मेथड सीख लिया तो आप एलसीएम मेथड सीख के आप ये नहीं कह सकते कि वर्क एंड टाइम मुझे आने लगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलसीएम मेथड पे आप नहीं लगा सकते। जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको बारी बारी से हम करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पे कौन सा मेथड लगेगा और कौन सा मेथड उस क्वेश्चन को आसान कर देगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से ही लगा रहे हो और ये नहीं कि आप क्वेश्चन को परसेंटेज वाले मेथड से लगा रहे हो। आप किसी भी मेथड को लगाइए लेकिन क्वेश्चन पहचानिए किस मेथड से आसानी से आएगा या किस मेथड से आएगा ही, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम मेथड से आएंगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलसीएम मेथड पे क्वेश्चन बताऊंगा। एलसीएम मेथड के क्वेश्चन समझने के लिए एलसीएम मेथड आप किस तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ये मैं बता दूं कि आप जब कोई क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि ए और बी इतने इतने दिन में काम कर सकते हैं, ए बी और सी इतने इतने दिन में काम कर सकते हैं, या फिर ए बी बी सी और सी ए इतने इतने दिन में काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप एलसीएम मेथड लगाएंगे। लेकिन ऐसा उसमें कुछ ऐसा ना दिया हो कि ए की कार्य क्षमता बी की 40% है, ए की मतलब कार्य क्षमता पर आधारित ना हो। कार्य क्षमता पर आधारित होगा तो एलसीएम मेथड बीच में फंस जाएगा। लगा तो सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एलसीएम मेथड से नहीं आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन फंस सकता है अगर आपके पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को किस मेथड से लगाओ जो चुटकियों में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम 3 टाइप के क्वेश्चन आप एलसीएम मेथड पे करेंगे, पहले ए और बी में, फिर ए बी और सी में, फिर ए बी बी सी और सी ए में। ये सब इतने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे लिख दिए, अब इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एलसीएम मेथड का पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए लिखा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। दोनों का हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया दोनों का 36। अब 12 का कितना गुना 36 है 3 और 18 का कितना गुना है 2। तो ये हमारा अब देखिए इतना करने के बाद, इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद 36 हमारा हो जाएगा कुल काम, कुल कार्य, और ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 3 और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2। जैसे मान लो सड़क बनानी है तो कुल कार्य हो जाएगा 36 मीटर सड़क बनाना है, जिसमें से ए एक दिन में 3 मीटर सड़क बनाता है और बी एक दिन में 2 मीटर सड़क बनाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप एलसीएम मेथड लगा रहे हो तो सबसे सीधा एलसीएम यहां लिखोगे और एलसीएम पहले वाले का कितना गुना है वो ए द्वारा किया गया कार्य, एलसीएम दूसरे वाले का कितना गुना है तो वो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। दोनों एक साथ करेंगे तो एक दिन में 5 काम हो रहा है, 5 काम कितने दिन में हो रहा है एक दिन में, तो करना कितना है 36 काम करना ही है, तो 36 काम हो जाएगा 36/5 दिन में। 36 काम कितने दिन में हो जाएगा 36/5 दिन में। अगला कह रहा है यदि दोनों अल्टरनेट डे पे काम करें और पहला इसमें कंडीशन मैंने दी है ए स्टार्ट करे, अल्टरनेट डे पे काम करे मतलब पहले दिन ए काम करे दूसरे दिन बी काम करे, तो पहले दिन ए काम करेगा तो 3 काम होगा, दूसरे दिन बी काम करेगा तो 2 काम होगा, तो कुल मिला के 5 काम हुआ 2 दिन में, तो 35 काम हमने देखा। इधर 7 से गुणा किया तो इधर भी कर दो, कितने दिन में कंप्लीट हुआ 14 दिन में, 35 काम कंप्लीट हुआ 14 दिन में, बचा कितना है एक काम बचा है और नंबर किसका है, 14 दिन तक काम हो गया, पहले दिन ए दूसरे दिन बी तीसरे दिन ए चौथे दिन बी, तो सम वाले दिन कौन काम कर रहा है बी, तो अगला दिन किसका होगा ए का, तो एक काम जो बचा है वो करेगा ए, तो
कितने दिन में? एक बटे तीन दिन में। क्यों? क्योंकि एक ए एक दिन में तीन काम कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? एक बटे तीन दिन में। तो कुल कितना हो जाएगा? 14 से ही एक बटे तीन दिन। अगर इसी काम को बी स्टार्ट करता तो 15वें दिन बी का नंबर आता, 15वें दिन बी का नंबर आता, बी का नंबर 15वें दिन आता, तो बी एक काम जो शेष बचा है ये कौन करने आता? बी करने आता। तो बी कितना दिन लेता? एक बटे दो दिन। क्यों? क्योंकि बी एक दिन में दो काम कर रहा है, तो एक काम करने में कितना दिन लेगा? बटे दो दिन। तो कुल 36 काम ऐसे केस में कितने दिन में होगा? 14 से ही एक बटे दो दिन। अगला है, यदि ए दो दिन बाद काम शुरू करे, दो दिन बाद अगर ए काम शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बी दो दिन काम कर लेगा। बी दो दिन में कितना काम कर देगा? क्योंकि बी एक दिन में दो काम कर रहा है, तो बी दो दिन में कितना काम कर लेगा? चार काम कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा कितना काम? 32। और उस 32 काम को दोनों करेंगे तो कुल कितना दिन लगेगा? दो दिन पहले लग ही चुका है, प्लस 32 बटे 5, इतना दिन अब टोटल लग जाएगा। तो 2 प्लस 6 सही 2 बटे 5। अगला, यदि बी दो दिन बाद काम शुरू करे, तो मतलब ए दो दिन काम कर लेगा, ए दो दिन में कितना काम कर लेगा? 6 काम कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा कितना काम? 30 काम और बचेगा। तो कुल कितना दिन लगेगा? कुल लगा दिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस 36 बटे 30। 30 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 6 काम हो चुका है, अभी बचा हुआ काम कितना है? 30। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 मतलब 8। या फिर इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा और सोचो, तो क्या होगा कि जैसे पहले इसमें क्या कहा गया कि ए ने दो दिन काम नहीं किया, तो क्या करेंगे हम? ए के दो दिन का काम और जोड़ देंगे, ए के दो दिन का काम और जोड़ देते हैं, तो 36 कुल काम था ही, 42 काम अब हो गया। अब 42 काम को दोनों लोग मिलकर कर दें तो कितना हो जाएगा? कितने दिन हो जाएंगे? 8 से 2 बटे 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बी दो दिन बाद काम कर रहा है, तो इसका मतलब बी के दो दिन का काम और बढ़ा दो, फिर दोनों को साथ काम करवा लेते हैं। तो बी के दो दिन का काम कितना होगा? 4। तो 36 धन 4 40, और 40 को दोनों लोगों को करवा दो तो कितना हो जाएगा? 8 आंसर। तो इसमें क्या करना है, अगर कोई दो दिन बाद काम कर रहा है तो उसके दो दिन का काम आप कुल काम में जोड़ दीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम उसके क्या करेंगे, जब जो कोई दो दिन बाद काम शुरू कर रहा है तो उसके दो दिन का काम, तीन दिन बाद शुरू कर रहा है तो उसके तीन दिन का काम कुल काम में हम जोड़ देंगे। अगला जो है पांचवां और सातवां, इसमें क्या कहा गया है कि एक कार्य समाप्त होने के दो दिन पहले काम छोड़ दे, एक कार्य समाप्त होने के दो दिन पहले काम छोड़ दे। तो वही चीज तो हुआ कि ए दो दिन बाद काम शुरू करे या काम समाप्त होने से दो दिन पहले काम करे, मतलब ए के दो दिन का काम हम क्या करेंगे, फिर से वही ऐड कर देंगे, ए के दो दिन का काम 42 और बटे 5 जो आ रहा है 8 से 2 बटे 5। और इसमें कहा गया बी काम समाप्त होने के दो दिन पहले काम छोड़ दे, तो फिर से वही बी के दो दिन का काम हम जोड़ देंगे, 40 हो जाएगा और 40 बटे 5 मतलब 8। देखिए कुछ करना नहीं है, देखो ए अगर दो दिन बाद काम शुरू कर रहा है तो ए के दो दिन का काम हम क्या करेंगे, कुल काम में जोड़ देंगे, फिर दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे। बी अगर दो दिन बाद काम शुरू कर रहा है तो बी के दो दिन का काम जोड़ देंगे और दोनों से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगला केस है, देखिए इसमें हमने क्या कहा, एक्चुअल कंप्लीशन, मतलब जैसे जितने देर में काम खत्म हो रहा है उससे दो दिन पहले। लेकिन शेड्यूल्ड कंप्लीशन अगर है, शेड्यूल्ड कंप्लीशन वाला काम है, मतलब निर्धारित समय से दो दिन पहले ही काम छोड़ दे, जैसे जो निर्धारित समय था वो 36 बटे 5 था और उससे दो दिन पहले, क्यों 36 बटे 5 है, क्योंकि ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 36 काम 36 बटे 5 दिन में करेंगे, तो शेड्यूल्ड टाइम जो था वो 36 बटे 5 था। अब ए इस 36 बटे 5 के दो दिन पहले, 36 बटे 5 के दो दिन पहले छोड़ दिया, मतलब ए का जो दो दिन का काम है वो कौन करेगा, वो करेगा बी। तो 36 बटे 5 तो कुल कितना दिन लगेगा, 36 बटे 5 तो लगा ही लगा, फिर ए के दो दिन का जो काम था वो करेगा बी। तो ए के दो दिन का काम कितना है, 6, और बी करेगा तो बी की कार्य क्षमता 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 36 बटे 5 प्लस 3,
ये आपका 10 सही है बटे 5। ऐसे ही आठवां क्वेश्चन आप देखोगे कि यदि बी निर्धारित समय के दो दिन पहले काम छोड़ दे, तो बी अगर निर्धारित समय के दो दिन पहले काम छोड़ देगा तो बी के जो दो दिन का काम है वो करेगा ए, तो बी के दो दिन का काम कितना है 4 और करेगा कौन ए 3, तो 4/3 हो जाएगा, ये 36/5 और ये 4/3, तो आप ऐड कर दीजिए इसको 108+4/15 112/15। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें तीन व्यक्ति आ गए ए बी और सी, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। उसके बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, तीनों का एलसीएम हमने लिया 60 आया, 10 का 6 गुना 60 है, 20 का 3 गुना 60 है और 10 30 का 2 गुना 60 है, इसलिए 6 3 2 हो गया, कुल काम 60। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करते हैं, बस इतना चीजें हमारे पास अब आ गई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सभी एक साथ कार्य करें, सभी एक साथ कार्य करेंगे तो क्या होगा, 6 3 9 2 11, 11 काम होगा एक दिन में, 11 काम कितने दिन में होगा एक दिन में, तो 60 काम कितने दिन में होगा, 60 काम होगा 60/11 दिन में, ठीक है। अगला, तीनों अल्टरनेट डे पे काम करें, मतलब पहले दिन ए 6 काम करे, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, तो कुल मिला के 6 3 9 2 11 काम हुआ 3 दिन में, ऐसे केस में 11 काम कितने दिन में होगा 3 दिन में। फिर 55 काम हो जाएंगे 15 दिन में, क्यों, क्योंकि इधर भी 5 से गुणा किए, 6 से गुणा नहीं करोगे, 6 से गुणा करोगे तो 66 काम हो जाएगा, करना हमें 60 मीटर सड़क बनानी है तो हम क्यों 66 बनाएंगे, तो 55 काम हो गया 15 दिन में। फिर अगले दिन किसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा तो ए का, तो ए शेष 6 काम कितने दिन में करेगा, सॉरी 5 काम ही तो शेष बचा है, 60 काम टोटल है जिसमें से 55 हो चुके हैं, तो कितना काम बचा है 5 काम शेष बचा है, 5 काम कौन करेगा ए करेगा, तो ए कितने दिन में कर देगा 5/6, क्योंकि ए एक दिन में 6 काम करता है तो 5 काम 5/6 दिन में करेगा, तो कुल 60 काम हो गया, ऐसे केस में कितने दिन में 15 से 5/6 दिन में। नेक्स्ट ये है कि तीनों ए पहले दिन अकेले तथा दूसरे दिन बी के साथ तथा तीसरे दिन सी के साथ काम करे, तो पहले दिन ए अकेले काम किया 6 काम, दूसरे दिन ए बी के साथ आ गया 9 काम, फिर तीसरे दिन ए सी के साथ आ गया 6 2 8 काम हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए 17/6 23 काम हो रहा है 3 दिन में, कितने दिन में 3 दिन में। फिर कितने 60 करवाने हमें, 23 2 46 कर गए, 46 काम हुआ 6 दिन में। अगले दिन फिर ए का नंबर आएगा, फिर ए 6 काम कर देगा एक दिन में, फिर अगले दिन किसका नंबर आएगा ए प्लस बी का, बचा कितना काम है, देखो 46/52 काम हो चुका है, 60 करना है, कितने काम बचे हैं 8 काम बचे हैं, तो ए प्लस बी 8 जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में कर देंगे 8/9 दिन में, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी एक दिन में, ए और बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 8 काम कितने दिन में करेंगे 8/9 दिन में, तो कुल मिला के कुल कितना दिन लगा 60 काम पूरा होने में, 60 काम पूरा होने में 6 1 7 सही 8/9 दिन लगा, 7 सही 8/9 दिन। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, हम 23 काम 3 दिन में हुआ, 23 का 2 गुना किया 46, 23 का 3 गुना कर देते तो 69 हो जाता, लेकिन हमें 60 ही चाहिए, तो 2 ही गुना किया। फिर उसके बाद ए का नंबर है, यानी 6 काम किया 52 काम हो गए, अभी 8 काम बचे हैं, 8 काम ए प्लस बी वाले का आ गया नंबर, ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 8 काम कितने दिन में करेंगे 8/9 दिन में। अगला है ए पहले दिन बी के साथ तथा दूसरे दिन सी के साथ ऐसे करे, पहले दिन ए और बी आ गए 9 काम हो गया, दूसरे दिन ए और सी आ गए 6 2 8 काम हुआ, तो कुल मिला के 17 काम हो रहा है 2 दिन में,
17 मीटर सड़क बनी 2 दिन में, बनाना कितना है 60, तो 17 51 तक जाएंगे, 17 का 3 गुना करेंगे 51 आएगा 6 दिन में, 51 काम हो गया 6 दिन में। अगले दिन फिर A प्लस B का नंबर आया और बचा हुआ काम देखो, किस्मत आपकी अच्छी है कि बचा हुआ काम 9 ही है, तो 9 काम जो बचा है वो A प्लस B एक दिन में कर देंगे, क्योंकि A प्लस B एक दिन में 9 काम कर ही रहे हैं, तो कुल मिला के 60 काम जो था वो 7 दिन में पूरा हो गया ऐसे केस में। अगला लिखा है A 2 दिन बाद काम छोड़ दे, A 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब A ने सिर्फ 2 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, मतलब B और C पूरे सिनेरियो में अकेले काम कर रहे हैं, A चला गया है यहाँ से, तो A चला गया है, तो A का 2 दिन का काम क्या करो, टोटल वर्क जो है आपका, टोटल काम कितना था 60, इस 60 में से 2 दिन का काम A का घटा दिया हमने, 2 दिन का काम A कितना था 12 काम ना, A का 1 दिन का काम 6 है, तो 2 दिन का काम 12, और इसको घटा के हमने केवल B और C से काम कराया, तो ये हो जाएगा 48/5। इसमें किया क्या है ध्यान देना, 2 दिन बाद ये चला गया, मतलब पूरे पूरे दिन B और C तो पूरे दिन काम कर रहे हैं, जितना दिन काम हुआ शुरू से अंत तक B और C लगे रहे, तो A ने जो जो 2 दिन में काम किया था वो हमने हटा दिया, बचा काम अब हमारे पास 48 है, वो B और C जितने दिन में करेंगे वही टोटल दे हो जाएगा, तो 48/5 दिन में। नेक्स्ट लिखा है, अगला लिखा है A काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ दे तथा B काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दे, तो ये वाला केस तो हम पहले कर चुके हैं, तो A काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, फिर से काम क्या कर देंगे हम, केवल B और C से ही काम कराएंगे, A ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया मतलब A का काम खत्म, तो A से हमने जो 2 दिन काम किया था वो घटवा दिया। फिर कहा गया B काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दे, B ने 2 दिन पहले काम छोड़ा इसलिए जो B का 2 दिन का काम है वो इसमें ऐड होगा, मैंने पहले केस में ये बताया, तो B के 2 दिन का काम 6 इसमें ऐड कर दिया, और काम कर कौन रहा है, लास्ट तक B और C कर रहे हैं, A तो हट गया, A ने 2 दिन करके हटा दिया, देखो B और C नहीं, आप देखोगे तो केवल C ही कर रहा है, लेकिन हमने B का ये 2 दिन का जो काम जोड़ा है इसका मतलब ये सोच लिया है कि काम बढ़ा दिया, B को लास्ट तक काम कराया, ये 6 जोड़ने का मतलब क्या है कि B के 2 दिन का काम मैंने जोड़ा, और B के 2 दिन का काम जोड़ा है तो जो B काम छोड़ के जा रहा है उसको B काम कर रहा है, कहने का मतलब, तो ये हो जाएगा 60-12+6, अब B और C दोनों कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 54/6। देखिए अगला जो मेथड है उसमें दिया गया है A और B 12 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में करते हैं, C और A 20 दिन में करते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अब इसमें बारी बारी से कर लेते हैं। देखो कहा गया A और B 12 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में, C और A 20 दिन में, तीनों का हमने एलसीएम ले लिया, तीनों का एलसीएम आ गया 60, 12 का 5 गुना है 60, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना है 60, मतलब कुल काम हो गया अभी 60, और A प्लस B का एक दिन का काम 5, B प्लस C के एक दिन का काम 4, और C प्लस A के एक दिन का काम 3 आ गया। अभी क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितना समय लेंगे, तीनों मिलकर कितना समय लेंगे, अगर तीनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस B प्लस C बराबर 5, 4, 9, 3, 12 काम, करना कितना है टोटल, टोटल करना है इनको 60 काम, तो इधर 5 से गुणा किया, इधर भी 5 से गुणा कर दो, 10A प्लस B प्लस C, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस B प्लस C 10 दिन तक काम करे तो 60 काम हो जाएगा, या फिर ऐसे सोच सकते हो, देखो यहां से ऐसे ये भी हो जाता कि A प्लस B प्लस C बराबर 6, और A प्लस B प्लस C मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो कुल 60 काम कितने दिन में करेंगे, 60 काम करेंगे 60/6 दिन में, मतलब 10 दिन में, तो A B C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C ने कितने दिन में काम कर दिया, 10 दिन में, 10 दिन में कंप्लीट हो गया। अब अगला देखो लिखा है A अकेला कितने दिन में करेगा, देखिए हम जानते हैं A प्लस B प्लस C एक दिन में 6 काम करते हैं, A प्लस B प्लस C एक दिन में 6 काम करते हैं, और B प्लस C देखो तो B प्लस C एक दिन में 4 काम करता है, माइनस कर दो घटा दो दोनों को, तो A बचेगा, A एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, तो
तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में, या 60/2। यहां नहीं समझ में आ रहा तो 60/2 30 दिन लिख लो सीधा, ठीक है। ऐसे ही बी का निकाल लो, सी का निकालो। बी का निकालने के लिए ए प्लस सी माइनस करोगे और सी का निकालने के लिए ए प्लस बीस में से माइनस कर देंगे। अभी अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे कम दिन लेगा तीनों में से? अगर अकेले अकेले काम करना हो ए बी और सी को, तो कौन सबसे कम दिन लेगा? तो ये ध्यान रखना, या तो ऐसे निकालो, ये बड़ा बहुत बड़ा मेथड पड़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप देखना कि जैसे ए और बी 12 दिन लिए, बी और सी 15 दिन लिए, सी और ए 20 दिन लिए, तो जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा है, सी और ए मिलकर सबसे ज्यादा दिन ले रहे हैं, इसका मतलब बी की कार्य क्षमता तेज है, बी थोड़ा तेज काम करता है, तभी इसमें नहीं है। तो जो ज्यादा दिन ले रहे हैं उसको देखो, ज्यादा दिन में सी और ए आ रहे हैं, इसका मतलब बी सबसे जल्दी काम कर देगा। और सबसे देर में कौन काम करेगा? तो जिसमें सबसे कम दिन लगा है, ए और बी, इनकी कार्य क्षमता अच्छी है इसलिए जल्दी कर रहे हैं, इसका मतलब सी जो है वो सबसे ज्यादा दिन लेगा। लिखा है ए प्लस ए और बी अगर 10 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा? देखिए ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितने काम करेंगे? 10 दिन में करेंगे 50 काम। बचा कितना काम है, शेष काम कितना बचा है? शेष कार्य बचा है 10। कौन करेगा? सी करेगा। अब सबसे पहले आप सी की कार्य क्षमता निकालो, यहाँ तो 2-2 में है, तो सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या, आप देखो सी की कार्य क्षमता निकालने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ, ये जो 3 क्वेश्चन है इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें सी है उन दोनों को जोड़ो, इन दोनों में सी है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2c, इनको जोड़ दिया और इसमें से ये वाला घटा दिया, तो ए प्लस बी प्लस 2c और इसमें से ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2c बचेगा। और यहां देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 5, 4, 3, 7 और इसमें से 5 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 2, तो सी बराबर ए। मतलब सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो सी 10 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो बचा हुआ सी जो 10 काम जो बचा हुआ है उसको सी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 10 दिन में। तो मैंने 3 तरह के क्वेश्चन आपको एलसीएम मेथड से बताए, एक तो ए और बी में, एक ए बी और सी में, और एक ए बी बी सी और सी ए में बताया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पे आप अप्रोच करिएगा एलसीएम मेथड से, तो एलसीएम मेथड से आसान कुछ नहीं होगा। लेकिन और जो क्वेश्चन होंगे जैसे मजदूरी पर बेस्ड, या कार्य क्षमता पर बेस्ड, या फिर पुरुष और महिला, या फिर अलग अलग तरह के लोग एक साथ काम करेंगे, एक साथ कई सारे लेबर काम करेंगे, तो वहां पर हम कार्य क्षमता और मजदूरी पर मतलब वो मेथड लगाएंगे, कार्य क्षमता और मजदूरी वाला। जब एक से अधिक व्यक्ति किसी काम पर लगाए गए हों, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ने लिया, किसी चीज का ठेका लिया, उसमें कई सारे आदमी काम पर लगाए हों, या फिर ऐसे केस जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ पुरुष मिलकर काम कर रहे हों, ऐसे केस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अनुपात समानुपात का, अगर वो समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और जो फॉर्मूले मैं इसके लिए बताऊंगा ना वो आप खुद ही डिराइव कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे मान लो किसी काम को करने के लिए आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे दिनों की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी, दिनों की संख्या कम होती जाएगी, मतलब आदमियों की संख्या दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे दिनों की संख्या कम होती जाएगी, आदमी बढ़ेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा ना, सीधी सी बात यह है। तो इसका मतलब m into d equals to constant हो जाएगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हो m1 d1 बराबर m2 d2, ये कुछ मैंने किया नहीं आप ही जानो। अगर मान लो ये दिन की बजाय घंटे में काम हो रहा है तो भी आदमी बढ़ेंगे तो जल्दी खत्म होगा, फिर से घंटे जो है आदमियों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो यहां से mh equals to constant मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा m1 h1 बराबर m2 h2, ठीक है। नेक्स्ट, आदमी बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा, W से वर्क को मैंने काम को दिखाया है, आदमी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मतलब 5 आदमी 100 मीटर सड़क बनाते हैं तो 10 आदमी 200 मीटर सड़क बनाएंगे, मतलब आदमी बढ़ रहे हैं तो क्या काम बढ़ रहा है, इसका मतलब
m अपॉन w इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, क्या m1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 अपॉन w1। तो ये ऐसे निष्कर्ष निकलते चले जाएंगे, कई सारे वेजेस में आदमी बढ़ेंगे, तो अगर एक फिक्स अमाउंट है तो पैसे सबको थोड़े थोड़े बांटने पड़ेंगे, अगर आदमी बढ़ेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे खाने के लिए कहीं पर किसी शिविर में खाने के लिए वस्तुएं रखी हुई हैं, आदमी बढ़ जाएंगे तो खाना सबको कम पड़ने लगेगा, तो खाने की मात्रा एक एक आदमियों की कम हो जाएगी, ऐसे ही होगा। आप खुद बना सकते हो उसके लिए फॉर्मूला। अब इन सभी को मिक्स करके भी जैसी हमारी जरूरत होगी, m1 d1 upon w1 equals to m2 d2 upon w2, जो हमारी जरूरत होगी उसको हम बना लेंगे। m1 d1 h1 equals to m2 d2 s2, ऐसे ही m1 d1 h1 upon w1 equals to m2 d2 s2 upon w2, जो हमारी जरूरत होगी वो फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। हमें आदमी दिन घंटे और काम इन सब ये सब चीजें दी गई है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आदमी दिन और घंटा दिया गया है तो ये तीनों का फॉर्मूला लग जाएगा, आदमी दिन और काम दिए हैं तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, एक एक करके देख लेंगे, इन्हीं सब फॉर्मूले पे आएंगे। देखिए पहला है चार बनकर चार दिन में चार चटाई बनते हैं, तो आठ बनकर आठ दिन में कितनी चटाई बनेंगे। देखिए चार बनकर एम डी, चार दिन में चार चटाई, काम कितना है चार चटाई, तो आठ बनकर आठ दिन में कितनी चटाई, मान लो एन चटाई बनते हैं तो यह नीचे हो जाएगा, तो चार से ये चार कट जाएगा और ये चार इसको काट देगा दो हो जाएगा, तो एन इक्वल्स टू आपका 16 आ जाएगा। चार बनकर चार दिन में चार चटाई बनते हैं तो आठ बनकर आठ दिन में 16 चटाई बनेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर चार बनकर चार दिन में चार चटाई बनते हैं तो एक बनकर एक दिन में कितनी चटाई बनेगा। चार बनकर चार दिन में चार चटाई बनते हैं तो एक बनकर मान लो x दिन में एक चटाई बनेगा, तो यहां से इसको काट दो, x बराबर चार दिन आ गया, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आप देखो आदमी दिन और काम दिया था तो m1 d1 upon w1 equals to m2 d2 upon w2 हमने लगा दिया, जो भी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 का कारपेंटर 6 घंटे डेली काम करते करते 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 कारपेंटर 8 घंटे डेली काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। यहां पर m भी आ गया, पावर भी आ गया, डी भी आ गया और डब्ल्यू भी आ गया, मतलब सब चीज आ गई, एम वन डी वन एच वन डब्ल्यू वन सब आ गया। 12 कारपेंटर डी 24 दिन में 6 घंटे डेली काम करते हुए 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 कारपेंटर 36 दिन में 8 घंटे डेली काम करते हुए कितनी कुर्सियां बनाएंगे। मान लो एक्स कुर्सियां बनाते हैं तो एक्स लिख दिया हमने, फिर 8 से इसे काट दो, 3 6 3 से 3 कट गया, x बराबर 460 × 3, तो 460 × 3 कितना हो जाएगा 1380। 460 × 3 हमारा हो जाएगा 1380। अगला लिखा है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तथा कुछ आदमी काम पर लगाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 24 दिन में 2/7 भाग काम पूरा हो गया, उसने दो आदमी काम से हटा दिए, काम समय से अब काम समय से पूरा हो गया, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, ठीक है। तो मान लो कि उसने एक्स आदमी शुरू में काम पे लगाए थे, तो एक्स आदमी ने कितने दिन में 24 दिन में 2/7 काम किया है, अब उसने दो आदमी भगा दिए यहां से, बचा हुआ दिन हमारा कितना है 90 दिन कुल था, बचा हुआ दिन हमारे पास 66 दिन बचे थे, जिसमें काम कितना करवाना, 2/7 काम हो गया है, 5/7 काम बचा था, वो x माइनस 2 आदमियों ने बचे हुए 66 दिन में कर दिया। देखिए 7 से 7 कट जाएगा,
दो से इसे काट दो 12, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60x = 66x - 132, तो 6x = 132, तो x = 2 22। तो स्टार्टिंग में इसमें 22 आदमी थे, लास्ट में अगर पूछा जाता अंत में कितने आदमियों ने काम किया तो 20 आदमियों ने, दो घटा के लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 200 दिन में काम पूरा करने के लिए 140 आदमी काम पर लगाए तथा 60 दिन में बटे 4 काम पूरा हो पाता है, समय से पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाए। देखिए 140 आदमी 60 दिन में 1/4 काम करते हैं तो कितने आदमी और लगाए, 140 में एक्स कर दो ऐड कि बचे हुए कितने दिन है, 140 दिन बचे हैं क्योंकि 60 दिन काम हो चुका है, 200 दिन में से 60 दिन काम हो चुका, बचा हुआ दिन कितना है 140 और काम कितना करना है 3/4, तो 140 से 140 कट जाएगा, 4 से 4 यहां कट जाएगा, तो 140 प्लस x इक्वल्स टू 60 × 3 कितना होता है 180, तो x बराबर 40 आदमी, 40 आदमी इसने और लगाए और काम कंप्लीट कर दिया समय से। अगला लिखा है कुछ व्यक्ति किसी काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं, दूसरे दिन से एक एक व्यक्ति काम छोड़कर प्रतिदिन चला जाता है, पहले दिन मतलब अगले दिन एक आदमी फिर काम ऐसे होते चले गए, जब अंतिम व्यक्ति काम छोड़कर जाता है तो काम समाप्त हो जाता है, मतलब लास्ट व्यक्ति जब जा रहा है तो काम खत्म हो जा रहा है, यदि कोई छोड़कर ना जाता तो कुल लगे समय का 55% भाग ही लगता है, यदि कोई काम छोड़कर नहीं जाता तो केवल 55% भाग ही लगता है जितना अब लग रहा है। तो देखिए मान लिया कि स्टार्टिंग में एक्स आदमी लगाए गए थे, ठीक है, तो पहले दिन एक्स आदमी ने काम किया, एक्स आदमी ने एक दिन काम किया, अमाउंट डी1 ही लगाएंगे, एक्स आदमी ने एक दिन काम किया, फिर एक आदमी अगले दिन छोड़ के चला गया तो x-1 आदमी ने भी एक दिन काम किया, फिर ऐसे ही x-2 आदमी ने भी एक दिन काम किया, ऐसे ऐसे होता गया, लास्ट में एक आदमी बचा और काम खत्म हो गया। फिर दूसरी शर्त यह कही गई है कि अगर यह आदमी काम छोड़ के ना जाते तो कुल आदमी x ही रहते पूरे दिन, तो कुल जो बच रहा है दिन, बताओ इसमें x से लेके 1 तक आया है, x-1 x-2 x-3 ऐसे होते होते 1 तक आया है, तो इसमें कितने टर्म है, x ही टर्म होंगे, x पद होंगे ना, तो इसका मतलब पूरे कुल काम कितने दिन तक हुआ है, x दिन तक, तो जितने दिन तक काम हो रहा है उसका 55% समय ही लगता, 55% ही समय लगता, ठीक है। M1 D1 यहां भी हमने M1 D1 ऐसे ही किया है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, x + x + 1/2, ये हम जानते हैं ना 1 + 2 + 3, प्रथम n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n(n+1)/2 ही होता है ना, तो वही है प्रथम x नेचुरल नंबर का सम, ये हो जाएगा बराबर x × x × 55/100, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काट दो 11 और ये 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20x + 20 = 22x या 2x = 20x = 10, तो 10 आदमी शुरू में काम पर लगाए गए थे और एक एक आदमी काम छोड़कर जाते रहे। अगला है देखिए, 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं तथा 3 आदमी और 7 औरत 10 दिन में करते हैं, तो ये 4 क्वेश्चन उससे बनाए गए हैं, चारों को बारी बारी से देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए 4 आदमी तथा 6 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, M1 ये पूरे आदमियों की संख्या हो गई तो M1 D1 किया, फिर बराबर M2 D2 करेंगे, 3M + 7W × 10, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया इसी के आगे बढ़ा लेंगे, जैसे मान लो पहला पूछा गया कि 10 औरत कितने दिन में करेंगे, तो 10 औरत मान लो x दिन में करते हैं तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, पहले दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो रहा है 32M + 48W = 30M + 70, या देखिए 2m = 22
एम अपॉन डब्ल्यू हमने लिख लिया 11 और 1। आप कुछ मत करिए, इस इक्वेशन में एम की जगह 11 और डब्ल्यू की जगह 1 यही पुट कर देंगे, बस हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालना होगा इसकी मदद से, और निकालने के बाद एम के सामने जो है वो एम का मान हो जाएगा और डब्ल्यू के सामने जो है वो डब्ल्यू का। तो यहाँ पर देखो, एम की जगह 11 रखेंगे तो 33 प्लस डब्ल्यू की जगह 1 रखेंगे, 33 प्लस 7 कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 डब्ल्यू, डब्ल्यू 1 ही है ना, इंटू एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो पहले वाले में एक्स बराबर 40 आ गया, एक्स बराबर 40 इसका 40 फॉर्म देगा, 40 दिन लगेंगे पहले वाले में, 40 दिन लगेंगे। अब देखिए अगला पूछा गया है, दो आदमी और 8 औरत, दो आदमी प्लस 8 औरत कितने दिन में करेंगे, मान लो एक्स दिन में वो करेंगे। तो यहां पर फिर से वही चीज, 40 गुणे 10 बराबर दो आदमी मतलब 22, 22 8 30, 30 इंटू एक्स तो ये कट जाएगा, x बराबर 40 बटे 3 या 13 से ये बटे 3 दिन लगेगा। फिर 7 आदमी और 3 औरत कितने दिन में करेंगे, 7 आदमी और 3 औरत कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन भी लेते हैं तो फिर से ये चीज 40 है ही, 40 गुणे 10 आदमी की जगह 11 रखेंगे तो 77, 7 इंटू 11 77 प्लस 3 मतलब 80 गुणे एक्स तो 40 से कट जाएगा 2 और 2 से कटेगा एक्स बराबर 5 दिन लगेगा। अगला है, एक आदमी और 9 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे, फिर से यहां पर हम एक आदमी और 9 औरत का निकाल लेते हैं, एक आदमी प्लस 9 औरत कितने दिन में करेंगे एक्स दिन में मान लो, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 10 बराबर एक आदमी मतलब 11 प्लस 9 20 गुणे एक्स तो 20 से काट देंगे 2 एक्स बराबर 20। ठीक है, तो सबके आंसर पता चल गए क्या क्या होंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, आपके पास जो दो वैल्यू दी होंगी उससे हमने एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल लिया, एम और डब्ल्यू के रेशियो से अगले 4 क्वेश्चन इजिली हमने सॉल्व कर लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, फिर से वही चीज लिखेंगे, 6 आदमी और 8 लड़के बॉयज लिखा बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 26 आदमी और 48 लड़के किसी काम को उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो पूछा गया है, जो भी पूछा जाएगा वो हम आगे देखेंगे, पहले देखो इसमें रिलेशन निकालते हैं, 60m प्लस 80v इक्वल्स टू 52m प्लस 96v, तो यहां से 80m इक्वल्स टू 16v मिल गया, या m और b का जो रेशियो था वो 2:1 मिल गया, m और b का रेशियो यहां से हमें 2:1 मिल गया। देखिए अब क्या करेंगे, m बराबर 2 और b बराबर 1 रख के कोई भी उठा लेते हैं क्वेश्चन, पहला 4 लड़के और 4 आदमी और 2 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, मान लो एक्स दिन में करते हैं तो हम m इक्वल्स टू 2 और w b इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 52, 52 प्लस 1 यहां पे रखेंगे 48 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 और 2 10 गुणे एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 2 बराबर 10 गुणे एक्स या x बराबर 20 दिन। तो पहले वाले में कितना आ गया 20 दिन, 4 आदमी और 2 लड़के कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। अगला देखिए, 7 आदमी और 6 लड़के, 7 आदमी प्लस 6 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये मान लो x दिन लेते हैं तो फिर से वही 2 1 रखेंगे ये 100 हो गया, 100 गुणे 2 और ये 7 का 2 गुना 14, 14 6 20, 30 गुणे x इसे काट देंगे x बराबर 10 दिन आ जाएगा। अगला 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो यहां से हम ले लेंगे 20 बॉयज इनटू x, ठीक है तो ये आपका 100 हुआ ही था तो 100 गुणे 2 बराबर 20, बॉयज का एक वैल्यू है तो एक ही रहेगा इनटू x
ये फिर से आपका x बराबर 10 देना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आदमी औरत बच्चे साथ मिलकर काम कर रहे हो तो हम सबसे पहले उनमें दो में रिलेशन निकालेंगे रेशियो के जरिए, फिर रेशियो में जो मान आएगा वो सीधा मान हम ऊपर क्वेश्चन में रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन एफिशिएंसी पर बेस्ड है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है और ए बी से 60 दिन कम लेता है। पहले ही कह दिया गया ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, मतलब ए बी के 3 गुने के बराबर है और ए बी से 60 दिन कम लेता है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए बराबर ए मान लो x दिन लेता है तो b x प्लस 60 दिन लेगा, ठीक है। और a बराबर 3b है तो हम यहां पर 3b अगर रख दें तो ये हो जाएगा 3b into x, या फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो a upon b हमने निकाल लिया 3 upon 1, a की जगह 3 और b की जगह 1 रख दो, तो a की जगह 3 और b की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 into x equals to 1 x प्लस 60, एक हटाई दो तो ये 2x बराबर 60, x बराबर 30। तो b अकेले ने a अकेले ने सॉरी 30 दिन लिया, a अकेले ने 30 दिन लिया, b इससे 60 दिन ज्यादा लेगा 90 दिन लेगा। आगे देखिए लिखा a की कार्य क्षमता b की 2 गुनी है तथा a b से 10 दिन कम लेता है, a b से 10 दिन कम लेता है, a की कार्य क्षमता b की 2 गुनी, a की कार्य क्षमता b की 2 गुनी है तो a बराबर हो जाएगा 2b, यहां से फिर से आपका a / b 2a निकल आएगा, ठीक है। ये इतना आ गया, फिर हम देखेंगे कि a b से 10 दिन कब लेता है, तो a अगर x दिन लेगा तो b लेगा x माइनस x प्लस 10 दिन, और फिर पूछा गया है a प्लस b कितना दिन लेंगे तो यहीं पे लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है। a की जगह 2 तो ये 2x बराबर, b की जगह 1 रखेंगे तो x प्लस 10, तो x बराबर आ गया 10, x 10 आ गया तो इसका मतलब a अकेला 10 दिन में करेगा, b अकेला 20 दिन में करेगा, 10 दिन ज्यादा लेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो a की जगह तो b बराबर 1 गुणे x प्लस 10 मतलब 20 बराबर 2 धन 1 3 गुणे d, या d बराबर 20 बटे 3 आ जाएगा, दोनों मिलकर 20 बटे 3 दिन लेंगे। देखिए वर्क एंड टाइम में जो हमने LCM मेथड सीखा और M1D1 बराबर M2D2, M1D1 upon W1 बराबर M2D2 upon W2 सीखा, उसके अलावा अगर आप बेसिक मेथड नहीं जानते ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हो सकता है आपको वहां पे फंसा दे, दोनों में से कोई मेथड नहीं लगेगा फिर करोगे क्या आप उस टाइम पे, इसलिए आपका बेसिक मेथड क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक मेथड पर एक दो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, देखिए पहले इसे बेसिक मेथड से बता देता हूं फिर उसके बाद मैं थोड़ा आसानी से इसको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला लिखा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है और दोनों मिलकर 6 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए ए अगर बी से 5 दिन अधिक लेता है तो मान लो ए एक्स प्लस 5 दिन लेता है और बी एक्स दिन लेता है, ठीक है। तो ए के एक दिन का काम 1 अपॉन एक्स प्लस 5, बी के एक दिन का काम 1 अपॉन एक्स, दोनों के एक दिन का काम 1 अपॉन 6। ये बेसिक मेथड होता है, जब भी हम वर्क एंड टाइम आपका क्वेश्चन फंसने लगे तो आप बेसिक मेथड पे आ जाना, नहीं आओगे और इन्हीं दोनों में फंसे रहोगे तो फंसे ही रह जाओगे, इसलिए समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो 2x प्लस 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो 12x प्लस 30 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 10 और माइनस 3 आया तो हम 10 ले लेंगे, ठीक है, माइनस 3 नहीं लेंगे। तो यहां से a अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है, b अकेला 10 दिन में और a अकेला 15 दिन में, x की वैल्यू 10 और x प्लस 5 की वैल्यू 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद एक आसान मेथड बताएंगे दोनों के लिए।
देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, ए और बी किसी काम को करने में एक्स दिन लेते हैं, ए अकेला एक्स प्लस 4 मतलब जितने में दोनों कर रहे हैं उससे 4 दिन ज्यादा, और बी अकेला एक्स प्लस 9 मतलब जितने में दोनों कर रहे हैं उससे 9 दिन ज्यादा ले रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो ए के एक दिन का काम फिर से 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और इसके एक दिन का काम 1 अपॉन एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से भी बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिक मेथड थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। Plus 2x square plus 13x plus 36 cross multiply करेंगे 2x square plus 13x बराबर x square plus 13x plus 36, तो 13x 13x से cancel हो जाएगा, x square बराबर 36, तो x बराबर 6 आ गया, दोनों मिलकर 6 दिन में करेंगे। ठीक है, अभी हुआ क्या है इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हम क्या हुआ है कि जो 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन था वो x स्क्वायर के बराबर आ गया, मतलब a अकेला जितना दिन ज्यादा ले रहा है और b अकेला जितना दिन ज्यादा ले रहा है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो जितने दिन में दोनों काम कर रहे हैं उसके स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हम करेंगे क्या, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा a जितना दिन ज्यादा लिया और b जितना दिन ज्यादा लिया उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 × 9 और सीधा सीधा इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, वही हो जाएगा दोनों के लिया गया समय। और a का अगर पूछा जाए तो 6 + 4, a का पूछा जाए तो 10 दिन, b का पूछा जाए तो 15 दिन। a कितना दिन लिया? 10 दिन, और b कितना लिया? 15 दिन। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो जब कहा गया कि a किसी काम को करने में b से 5 दिन अधिक लिया तो दोनों 6 दिन में करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36, 6 के वर्ग का, 6 के वर्ग मतलब 36 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 5 है, जिसका डिफरेंस कितना हो 5, और 5 4 और 9 का डिफरेंस है, तो a जो होगा वो 4 प्लस 6 दिन लेगा और b 9 प्लस 6 a कितना दिन लेगा 9 प्लस 6 और b 4 + 6, क्यों? क्योंकि 6 दिन में ये कर रहे हैं, A ने 6 से 9 दिन ज्यादा लिया, B ने 6 से 4 दिन ज्यादा लिया, तो इस क्वेश्चन में A के द्वारा लिए गए दिन 15 आ जाएंगे और B के द्वारा लिए गए दिन 10 आ जाएंगे। ठीक है, कुछ करना नहीं, आपका जो ये है दोनों जितने दिन में काम कर रहे हैं उसका स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करेंगे जितना इन दोनों के दिनों का डिफरेंस है, इन दोनों के दिनों का डिफरेंस 5 है तो 4 × 9 आ गया, तो पहला 6 + 4 दिन में करेगा, दूसरा 6 + 9 दिन में। वर्क एंड टाइम चैप्टर अब समाप्त हुआ, अब मैं इसके क्वेश्चन की 2-3 वीडियो और अपलोड करूंगा। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप हमारे फेसबुक पेज पे या फिर यहीं पे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, अगर मुझे सही लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करूँगा।